शिवसेना के विधायकों के डिसक्वालिफिकेशन पर स्पीकर द्वारा फैसला सुनाने के बाद शिवसेना शिंदे गुट के मंत्री उदय सामंत से बात की न्यूज 24 संवाददाता विनोद जगदाले ने। उनका क्या कहना है सुनिए। मंत्री उदय सामंत हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं। आज जो फैसला आया है उदय जी, क्या कहेंगे, कितनी बड़ी जीत है पार्टी के लिए, पार्टी के नेतृत्व के लिए, आने वाले चुनाव के लिए? ये जो जीत हो गई उसका आनंद तो हम हैं, क्योंकि ये डिसीजन में जो हम चाहते थे कि हमारे जो नेता है एकनाथ शिंदे साहब ने जो डिसीजन लिया था वह कहाँ भी स्प्लिट होने का डिसीजन नहीं लिया था। जो पार्टी में है वहाँ पार्टी को लेके जो पार्टी का विचार है वो आगे लेके जाने के लिए जो कुछ करना है वो हमने किया था, वही इस निकाल में आया है। और दूसरा जो हमारे मुख्य प्रतोद थे हमारे भरत गोगावले, वो भी अच्छी तरह से वहाँ चुने गए थे, नियम से चुने गए थे, ये भी रिजल्ट दिया है। लेकिन जो हम नाराज है तो इसके ऊपर ये सब अगर है तो 13 लोग जो थे वो क्यों डिस्क्वालीफाई नहीं हो गए, इसके ऊपर तो हमारी नाराजगी है। अभी बाहर जो बोलते थे कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे ये करेंगे वो करेंगे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी उस बयान के ऊपर क्या दबाव आ गया है क्या, ये भी सोचना जरूरी है। क्योंकि ये 13 लोग अगर ये सब है, नेता हमारे एकनाथ शिंदे साहब है, पार्टी हमारे साथ है, मेजोरिटी हमारी है 55 अगेंस्ट 37, हमारे साइन बराबर है, पार्टी विधिमंडल पार्टी हमारे साथ है, तो वो 13 लोग डिस्क्वालीफाई क्यों नहीं हुए, ये बहुत बड़ी शंका हमारे मन में है। और इससे हम हमारे जो एडवोकेट लोग हैं उनसे बात करके आगे कैसा करना है वो तय करेंगे और मुख्यमंत्री साहब से बातचीत करके आगे जाएंगे। अभी थोड़ी देर में आपकी मुख्यमंत्री से बात हो रही है, जो 13 लोगों को आप डिस्क्वालीफाई करने की मांग कर रहे हैं, क्या इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? नहीं, ये तो ठीक है ना, जो हमने कागज दिए थे, हमने बयान दिए थे वो सच्चे दिए थे। आज के रिकॉर्ड में आपने देखा रहेगा कि जो रिकॉर्ड था उसमें बहुत गलत कागज उन्होंने दिए थे, ये रिजल्ट में आया है। अगर वो सब गलत है तो 13 लोग क्यों डिस्क्वालीफाई नहीं हो गए, ये हमारी शंका है। और उसके बारे में हम मुख्यमंत्री महोदय से बात करेंगे, हमारे एडवोकेट लोगों से बात करेंगे, और अगर सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ठीक है, ये थे उदय सामंत, शिवसेना की सरकार में मंत्री है, शिंदे गुट से ये विधायक है, और इन्होंने आज के फैसले पर खुशी जताई। लेकिन इनकी मांग थी कि उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी के जो 13 विधायक है उन्हें भी डिस्क्वालीफाई करना जरूरी है, लेकिन अब इस पर वो मुख्यमंत्री के साथ बातचीत कर आगे का फैसला लेंगे। कैमरामैन विनोद के साथ विनोद जगदाले, न्यूज 24, मुंबई। शिवसेना शिंदे गुट के विधायक संजय शिरसाट से इस पूरे मामले को लेकर संवाददाता विनोद जगदाले ने खास बातचीत की, सुनिए। संजय शिरसाट हमारे साथ मौजूद है जो सुनवाई करके वापस लौटे हैं, क्या कहेंगे, बड़ी जीत पार्टी के लिए आपके लिए? देखिए, हमने जो भूमिका ली थी उसका समर्थन आज, उसको समर्थन विधानसभा अध्यक्ष ने दिया है। ये बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है, ये महाराष्ट्र के लिए नहीं था, देश के लिए एक दिशा देने वाला निर्णय हो चुका है। हमने जो कहा था कि पार्टी में काम करते वक्त सभी को साथ में लेके, सभी की राय लेके आपको काम करना चाहिए, हुकुमशाही पे पार्टी नहीं चलती, और वही काम आज हुआ है। विधानसभा अध्यक्ष ने बोला है 2018 में जो घटना तुमने जो दिया था वो गलत था, और उसके वजह से 2018 की घटना उन्होंने मानी नहीं, और उन्होंने कहा है कि पक्ष का प्रमुख या तो पक्ष के पूरे अधिकार ये गट नेता को है, गट नेता को निकालने का अधिकार उद्धव साहब को तो था ही नहीं, और पक्ष प्रतत को भी उन्होंने कायम किया है। अब शिवसेना यूबीटी वाले सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, वो जाएंगे ना, हम भी 13 लोगों को आपत्र करने के लिए क्या निर्णय लेना चाहिए आज शाम में उसके बारे में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब से चर्चा। मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, अब क्या होगा मुख्यमंत्री डिसाइड करेंगे। तो ये संजय शिरसाट काफी ज्यादा खुश है, शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के ये विधायक है और फैसले पर खुशी जता रहे हैं। कैमरामैन विनोद के साथ विनोद जगदाले, न्यूज 24, मुंबई।